नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार झा है और मैं बिहार से, और मैं डिप्लोमा बंगाल में किया हूँ प्राइवेट कॉलेज से, दिन्यो होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और मेरा आलिया यूनिवर्सिटी में 33 रैंक आया है मैकेनिकल ब्रांच में, और मैं इसका श्रेय अपने फैमिली और जीसीसी टीम को देना चाहता हूँ। जीसीसी टीम के जितने भी टीचर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही एक ट्रिकी तरीके से पढ़ाते हैं। अगर कोई भी दूसरे ब्रांच के, जैसे कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हो गए, उनको मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर जैसे आकाश गुप्ता सर है जो मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आकाश पंडित सर है जो मैथ पढ़ाते हैं, नवीन मुंजाल सर हैं जो कंप्यूटर लेते हैं, गोपाल सर हैं जैसे कि वो इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा भी चिंता, थोड़ा सा भी डॉट ये ना रखे जो मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसके लिए कहीं भी कोई सा भी चिंता नहीं करे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं और आकाश पंडित सर को जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है, ठीक है। और नवीन मुंजाल सर की तरफ से तो ऐसा सपोर्ट मिलता है जैसे कोई टीचर नहीं, एक फैमिली की तरह सपोर्ट मिलता है। तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी जीसीसी के टीचर्स हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। और मेरा स्लाइड में भी मैं एग्जाम दिया था, स्लाइड में भी मेरी रैंक आई थी, मैंने हरियाणा लीड में भी मेरा नाम आया था, और आईपी का तो भी रिजल्ट ही नहीं आया है, और मेरा जिलेट में भी एग्जाम रहा था उसमें भी रैंक आया था। तो मैंने लास्ट में देखा मेरा आलिया यूनिवर्सिटी में मेरा काउंसलिंग हो गई, फर्स्ट काउंसलिंग में ही मेरा 33 रैंक आ गया था। तो और फीस भी बहुत ही कम है, तो मैं अपने जूनियर्स को बोलूंगा जो अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है, और सर के साथ टच में रहे, नवीन मुंजाल सर के साथ टच में रहे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। ज्यादा दिन है नहीं, 8 से 9 महीना है, कोविड के कारण से अभी लेट एग्जाम हुए हैं, लेट सब बहुत कुछ, बहुत जगह एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे हरियाणा में एग्जाम नहीं हुआ है और कहीं कहीं जैसे गुजरात में नहीं हुआ है, बहुत जगह नहीं हुआ है। तो ऐसा मत चिंता में रखे जो हरियाणा में पिछले बार नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ, जो अगले साल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, जो इस बार एग्जाम होगा ये फिक्स है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई रहे, ऐसा मत रखे जो एग्जाम इस बार नहीं हुआ तो अगले बार भी एग्जाम नहीं हुआ तो ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, एग्जाम होगा, ठीक है। और मैं अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहूंगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आपको सर के तरफ से, जीसीसी की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज मिलते होंगे या डीपीपी मिलते हैं या असाइनमेंट मिलते हैं, उसको कंटिन्यू करते रहें, बीच में ऐसा नहीं रखें जो मैं कल करूंगा तो आप सुने होंगे कल करें सो, तो ऐसा मत करिएगा, बहुत लेट हो जाता है और बहुत ही दिक्कत हो जाता है। कंटिन्यू रखें अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आपको सर के तरफ से, जीसीसी की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज मिलते होंगे या डीपीपी मिलते हैं या असाइनमेंट मिलते हैं, उसको कंटिन्यू करते रहें, बीच में ऐसा नहीं रखें जो मैं कल करूंगा तो आप सुने होंगे कल करें सो, तो ऐसा मत करिएगा, बहुत लेट हो जाता है और बहुत ही दिक्कत हो जाता है। कंटिन्यू रखे अपनी पढ़ाई को और अपनी पूरी शिद्दत, अपनी मेहनत से पढ़ाई करते रखे, ठीक है। और ज्यादा दिन का तो टाइम नहीं है, कुछ दिन ही पढ़ना है, कुछ दिन अभी पढ़ाई कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू क्लास करते रहो, ठीक है, कंटिन्यू क्लास करो, कंटिन्यू डीपीपी करो, कंटिन्यू असाइनमेंट करो, कंटिन्यू जो भी है क्लासेस कंटिन्यू रखो, ऐसा मत करो जो आपको परेशानी करे आगे जाके, कोई भी परेशानी करे। और जिसमें एक बहुत ही अच्छी तरीका है जो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है, अगर आपको कोई क्लास मिस कर जाता है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। तो आप एक और बात बोलना चाहूंगा, जो आप ऐसा मत रखे जो मैं क्लास छोड़ देता हूँ हमेशा रिकॉर्डेड सेशन पे रह जाऊंगा, ऐसा गलती कभी मत करना, ठीक है, जो रिकॉर्डेड सेशन में आभारी रहना पूरा। अगर कोई आपकी बड़ी सी दिक्कत आ गई तब आप रिकॉर्डेड सेशन में रहना, जो हाँ ठीक है सर आज क्लास नहीं हुआ जो मैं रिकॉर्डेड सेशन देख लूंगा, ऐसा मत करना, और क्लास को कंटिन्यू रखना, हमेशा क्लास करना, और जो भी रूल्स असाइनमेंट मिलेंगे टेस्ट मिलेंगे उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैं अपने जूनियर्स को बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, थैंक यू।